रोहित चेहरे पर स्माइल लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से निकला। आज वो बहुत खुश था। रास्ते पर आते ही उसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड परिणीति को कॉल किया, लेकिन दो बार लगातार रिंग होने के बावजूद उसने कॉल नहीं उठाया। क्या हुआ, परिणीति फोन क्यों नहीं उठा रही है? रोहित ने फिर से कॉल लगाया और परिणीति ने फोन उठाकर कहा, अभी मैं बात नहीं कर सकती, मुझे लड़के वाले देखने आए हैं, तुम शाम को पार्क में आ जाओ, कुछ बात है। ये बोलकर परिणीति ने फोन रख दिया। रोहित के दिल में जैसे एक सेकंड में कई सौ हथौड़े मारने लगे। उसकी बोलती बंद हो गई, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसकी आज ही नौकरी लगी थी, नई नौकरी की खुशी मिट्टी में मिल गई। शाम को वो पार्क में चला गया और बेसब्री से परिणीति के आने का इंतजार करने लगा। एक एक सेकंड एक घंटे के बराबर लग रहा था। परिणीति आई और रोते हुए रोहित को गले लगा लिया। रोहित, मुझे बचा लो, रोहित मुझे बचा लो। क्या हुआ परिणीति, क्या बात है, लड़के वाले क्यों देखने आए थे तुम्हें? तुम तो मुझसे शादी करोगी ना? मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर में नहीं बता सकती, और घर वाले एक अमीर लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो लड़का करोड़ों में कमाता है। परिणीति, आज मेरी नई नौकरी लगी है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो ना हम भाग कर शादी कर लेते हैं। भाग के अभी? लेकिन अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, एक महीना रुक जाते तो अच्छा होता, पहली सैलरी मिल जाती। एक महीना रुक नहीं सकते रोहित, घर वाले अगले हफ्ते ही मेरी शादी करवाना चाहते हैं। रोहित के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो परिणीति से बहुत प्यार करता था, वो शादी के लिए मान गया। परिणीति ने कहा, आज रात 10 बजे यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं घर से अपने कपड़े और कुछ सामान लेकर भाग आऊंगी। ठीक है परिणीति। परिणीति घर चली गई। यहाँ रोहित इंतजार करता रहा। रात के 9:30 बजे परिणीति बैग लेकर घर से निकल आई, लेकिन तब रास्ते पर कोई ऑटो नहीं था। रास्ता सुनसान हो गया था और परिणीति अकेले रास्ते पर खड़ी थी। तभी 4-5 लफंगे लड़के वहाँ आ गए। अरे जाने मन, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। अरे समझ नहीं रही हो, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा देंगे। ये बोलकर उस लड़के ने परिणीति का हाथ पकड़ लिया। परिणीति डर गई। हाथ क्यों पकड़ा, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। लेकिन वो लड़के बदमाश थे, वो परिणीति के साथ जबरदस्ती करने लगे। उधर रोहित परिणीति का इंतजार करता रहा। जैसे ही घड़ी में 10 बजे, वैसे ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन परिणीति नहीं आई। ये परिणीति कहाँ रह गई? 10 तो बज गया है। इंतजार करते करते 12 बज गए और 1 घंटा और गुजर गया। रात के 1 बजे भी जब परिणीति नहीं आई, तब रोहित को बहुत गुस्सा आया। परिणीति ने मुझे धोखा दिया है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आई। लगता है उस अमीर लड़के को पाकर मुझे भूल गई है, उसे पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है। परिणीति, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा। इधर रोहित परिणीति पर गुस्सा हो गया था और उधर परिणीति झाड़ियों में बेहोश पड़ी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। वो लड़के जाने से पहले परिणीति के सर पर पत्थर मार कर गए थे ताकि वो मर जाए। परिणीति के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। उधर रोहित का दिल टूट गया था, वो टहलते हुए अपने घर की ओर चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक उसी की उम्र की लड़की रोते हुए भटक रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं इस हालत में कहां जाऊं? उस लड़की को देखकर रोहित के दिल में दया आ गई। वो उस लड़की के पास गया। कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा और हुआ क्या है? मेरा नाम सीमा है साहब, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बेटी होने वाली है। मेरे पति ने कहा कि एक बेटी को पालने का पैसा नहीं है उसके पास। अब आप ही बताइए साहब, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी, अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी कैसे दूंगी?
ये सुनकर रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए और उसके दिल में अचानक से इस लड़की के लिए प्यार सा आया। कितनी दुखी हो तुम, आजकल ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ साहब, आजकल तो लोग धोखा देने के लिए ही बैठे हुए हैं। सही कहा तुमने, आज मुझे भी किसी से धोखा मिला है। सुनो सीमा, आज मेरी नौकरी लगी है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? आपके घर? लेकिन आपके घर वाले क्या कहेंगे? मैं अकेला हूँ, मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, फिर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। सीमा की भी मजबूरी थी, इस समाज में अकेली गर्भवती औरत का जिंदा रहना कितना मुश्किल है, उसे दो दिन में ही समझ आ गया था। इसीलिए वो मान गई और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सीमा को सिंदूर पहनाते वक्त रोहित का हाथ कांपने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, आज किसकी मांग भरने वाला था मैं और अभी किसकी मांग में सिंदूर दे रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? परिणीति ने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मिला उसे मुझे दुख पहुँचाकर? रोहित गलत फहमी पाल रहा था। उधर सुबह के वक्त परिणीति को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके सर में बहुत दर्द था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा घर कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। वो दुकान पर जाकर खाना मांगने लगी, लेकिन उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे, इसीलिए दुकानदार ने उसे पागल समझकर भगा दिया। चल हट यहाँ से पगली कहीं की, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये। परिणीति वहाँ से भाग गई, लेकिन उसे अचानक से उल्टी आई। वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसके घर वालों ने भी सोचा कि लड़की भाग गई है, इसीलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। परिणीति पागल भिखारिन बनकर इधर उधर बस भटकती रही। उधर रोहित सीमा को घर लेकर आ गया, वो सीमा का ख्याल रखने लगा, सीमा भी उसका ख्याल रखने लगी। रोहित हर सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता था और सीमा उसके लिए खाना बनाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। 4 महीने बाद सीमा की एक बेटी हुई। सीमा बहुत खुश हो गई और उस नन्ही सी बच्ची को देखकर रोहित का मन भी पिघल गया। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं पापा हूँ तुम्हारा, बोलो पापा, बोलो पापा। ऐसे ही रोहित और सीमा की फेक शादी असली शादी में बदलने लगी। और जब रोहित को सीमा से प्यार हो गया, तब अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। सीमा के डिलीवरी के 5 महीने बाद परिणीति ने एक बेटे को जन्म दिया। रात को फुटपाथ पर ही खुले में उसने अपने बेटे को जन्म दिया था और उसे गोद में लेकर इधर उधर भटक रही थी। अपने बेटे का पेट भरवाने के लिए वो लोगों से भीख मांग रही थी। ऐसे ही एक दिन वो बस स्टैंड पर भीख मांगने के लिए आई। 2 रुपए दे दो साहब, अब बच्चे को दूध पिलाना है। लेकिन परिणीति जिससे पैसे मांग रही थी, वो और कोई नहीं, रोहित था। रोहित ने परिणीति को उस हालत में बच्चे के साथ देखा और वो चौंक गया। परिणीति, तुम यहाँ इस हालत में कैसे? परिणीति? कौन परिणीति? तुम मेरी परिणीति हो ना? मैं कोई परिणीति परिणीति नहीं हूँ, पैसे दो ना साहब। रोहित ने उसे 20 रुपए दिए। परिणीति खुश होकर चली गई, लेकिन रोहित का मन वहीं पड़ा रहा। वो घर वापस आ गया, लेकिन उदास उदास सा रहने लगा। आप थक गए होंगे, चाय लाऊं? अरे जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। क्या हो गया आपको? चाय ही तो पूछा था। रोहित को अपनी गलती समझ में आई। सीमा माफ कर दो मुझे, मैं थोड़ा परेशान हूँ। रोहित परेशान ही रहने लगा। वो हर रोज बस स्टैंड पे जाता रहा और अपना टिफिन परिणीति को खिलाने लगा। परिणीति को कुछ भी याद नहीं था। साहब आप ना बहुत अच्छे हो, मुझे हर रोज खाना खिलाते हो, मुझे पैसे देते हो। उधर सीमा रोहित से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन सीमा को रोहित की शर्ट पर लड़की के बाल मिले। सीमा रो पड़ी। ये क्या, वो किसी से इश्क लड़ा रहे हैं क्या? अब मेरा क्या होगा? अगले दिन सीमा रोहित के पीछे पीछे छिपकर बस स्टैंड तक गई। वहाँ परिणीति अपने बच्चे के साथ पहले से ही रोहित का इंतजार कर रही थी। रोहित रोज की तरह परिणीति को खाना खिलाने लगा
और तभी सीमा सामने आ गई। ये क्या, आप इस पागल भिखारिन के प्यार में पड़ गए हैं? क्या ये मुझसे भी अच्छी है? अरे सीमा, बात सुनो सीमा। रोहित ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। इसी लड़की से आप प्यार करते थे? नहीं नहीं, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है अकेली लड़की का दुख क्या होता है। आप इसे भी घर ले चलिए, इसका इलाज करवाइए, हम इसका ख्याल रखेंगे। रोहित परिणीति और उसके बच्चे को घर ले गया, उसका इलाज करवाया गया। ठीक होने के बाद परिणीति को सब कुछ याद आ गया। उसने सब कुछ बताया कि कैसे वो रोहित के पास ही आ रही थी और कैसे 4-5 लोग मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की। रोहित की गलतफहमी दूर हुई और सीमा के कहने पर उसने परिणीति से शादी कर ली और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों माँ, अंजलि कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन वो मांगलिक है, उससे तुझे खतरा है। अरे ये सब पुराने जमाने की सोच है माँ, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजीव अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन कौशल्या मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रात को राजीव के पास अंजलि की नहीं बल्कि अंजलि की सौतेली बहन मेघना की कॉल आई। क्या हुआ जीजा जी, आपकी माँ मानी की नहीं? अरे क्या बोलूँ मेघना, माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो, अब मैं आराम से अपनी चाल खेल सकती हूँ। क्या हुआ मेघना, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि अगर आप मेरी दीदी से शादी नहीं कर सकते हो तो मुझसे शादी कर लो, मैं तो बहन ही हूँ ना अंजलि की। ये सुनकर राजीव हंस पड़ा। मजाक कर रही हो ना तुम, इस वक्त भी तुम्हें मजाक सूझ रही है मेघना। तुम भी ना, चलो फोन रखो, मुझे अंजलि को कॉल करना है। राजीव ने फोन रख दिया। राजीव ने सोचा कि जीजा साली में ऐसी हंसी मजाक तो चलती ही रहती है, लेकिन मेघना मजाक नहीं कर रही थी। वो राजीव पर कब से नजरें गड़ाए बैठी थी। असल में राजीव अमीर बहुत था, उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन अंजलि राजीव के साथ तब से थी जब राजीव को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो बेकार था। और जब उसे नौकरी मिल गई तब मेघना राजीव से शादी करने के लिए उतावली होती रही। खैर, अंजलि के साथ तो बचपन से ही मेघना ये सब कर रही थी। अंजलि की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, तब उसके पिता ने दूसरी शादी की और मेघना का जन्म हुआ। मेघना हमेशा अंजलि से खिलौने छीन लेती थी, उसे खाने नहीं देती थी, लेकिन ये सब बहन का प्यार समझकर अंजलि भूल जाती थी। ऐसे ही दोनों बड़ी हो गई और अभी अंजलि की शादी की बात चल रही थी। अगले दिन राजीव पंडित जी के पास गया और कहा, पंडित जी मुझे कैसे भी करके अंजलि से शादी करनी है, आप कुछ कीजिए पंडित जी, कोई तो तोड़ निकालिए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करके देखता हूँ। राजीव ने पंडित जी को घर बुलाया। वहाँ राजीव की माँ कौशल्या, राजीव, अंजलि मेघना और अंजलि की सौतेली माँ सरला भी मौजूद थी। मेघना मन ही मन सोच रही थी, बस ये शादी टूट जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे। लेकिन कुछ ही देर में पंडित जी ने कहा, मिल गया एक उपाय है। क्या है पंडित जी? अगर शादी के 7 दिन के अंदर लड़की गर्भवती होती है तो वो और मांगलिक नहीं रहेगी। अब राजीव की माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। फाइनली शादी हो गई और इस बात से मेघना चिढ़ गई। शादी वाले दिन मेघना ने थोड़ा दिमाग लगाया और अपनी माँ से कहा, माँ मैं दीदी के साथ दीदी के ससुराल जाऊँ। दीदी के ससुराल? लेकिन क्यों? वो दीदी और जीजा जी को एक हफ्ते तक खतरा है ना, मैं रहूंगी तो दीदी को भी अच्छा लगेगा और कुछ उल्टा सीधा होगा तो मैं संभाल लूंगी। तब अंजलि वहाँ आ गई और ये सुनकर उसने कहा, हाँ माँ मेघना को जाने दीजिए माँ, बहन मेरे पास रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अंजलि और राजीव की शादी हो गई और अगले दिन मेघना भी उन लोगों के साथ चली गई। अंजलि बहुत खुश थी और मेघना मन ही मन प्लान बना रही थी, मुझे एक हफ्ते से पहले ही दीदी का काम तमाम करना पड़ेगा।
मेघना बस सही मौके का इंतजार करने लगी। ससुराल में 3 दिन बीत गए। राजीव हमेशा अंजलि से चिपका हुआ रहने लगा। नई नई शादी में तो ऐसा ही होता है। मेघना ने एक दिन राजीव से कहा, क्या जीजा जी, शादी के बाद तो आप मुझे भूल ही गए हो। हमेशा दीदी के साथ ही चिपके हुए रहते हो। कभी कमरे से बाहर भी आ जाया करो। लेकिन राजीव ने भी सोच के रखा था कि वो एक हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही दिन बीतता गया और 7वां दिन आ गया। 7वां दिन पूरे होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। दोपहर का वक्त था। अंजलि और राजीव एक ही कमरे में थे। कौशल्या कहीं गई हुई थी और मेघना कमरे के बाहर बेचैन हो रही थी। और कुछ ही घंटे बाद 7 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद अगर दीदी गर्भवती हो गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इतने में मेघना की मनोकामना पूरी हो गई। राजीव के पास कौशल्या का कॉल आ गया। कौशल्या कहीं गई हुई थी और आते वक्त उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसीलिए राजीव बाइक लेकर अपनी माँ को लेने के लिए निकल गया। घर में मेघना और अंजलि के अलावा और कोई नहीं था। मेघना ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था। उसके पास एक ऐसी दवाई थी जिससे 2 मिनट के अंदर किसी का भी खेल खत्म हो सकता था और टेस्ट करने के बाद भी किसी को भनक तक नहीं लगती। उसने वो दवाई पानी में मिलाई और ग्लास लेकर अंजलि के पास चली गई। अरे बहन, तू सोई नहीं? नहीं दीदी, ये ले, मैं तेरे लिए पानी लाई हूँ। लेकिन मुझे तो प्यास नहीं लगी है। अरे पी ले, शादी के बाद से वैसे ही बड़ी मेहनत हो रही है। तू भी ना। हंसी मजाक करते करते अंजलि ने मेघा के हाथों से पानी का ग्लास लेकर पानी पी लिया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मेघना ने पानी का ग्लास छुपा दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ ही देर में कौशल्या और राजीव घर लौटे। अंजलि, अरे उठो अंजलि, अभी सो क्यों गई? अंजलि। लेकिन अंजलि नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया गया। अंजलि के बॉडी को जांच के लिए भेजा गया। वहाँ जो पता चला उससे सभी की आंखों में आंसू आ गए। शरीर में दवाई का कोई नामो निशान नहीं था। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया और साथ ही में ये भी पाया गया कि अंजलि गर्भवती हो गई थी, वो भी 2 दिन पहले। ये क्या हो गया अंजलि? तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी थी। बच्चा भी आने ही वाला था लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सभी जब रोने धोने में बिजी थे तब मेघना ने अपनी आखिरी चाल खेली। वो राजीव को सहानुभूति देने के बहाने उसके करीब गई और कुछ ही दिनों में वो राजीव के और करीब आ गई। और एक दिन उसने राजीव से नहीं बल्कि कौशल्या से ये बात कह दी, माँ जी मेरी दीदी तो चली गई, राजीव अकेला पड़ गया, मैं राजीव से शादी करना चाहती हूँ। कौशल्या भी खुश हो गई। वो अपने बेटे को ऐसे अंदर से टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपने बेटे को समझाया और राजीव के साथ मेघना की शादी हो गई। मेघना का प्लान कामयाब हो गया। उधर अंजलि और उसके पेट में रहने वाला बच्चा, दोनों की आत्मा घर से बाहर आ गई। माँ, क्या यही है हमारा घर? हाँ बेटा, यही है। हम यहाँ क्यों नहीं रहते माँ? क्योंकि तुम्हारी मौसी ने हम दोनों को मार डाला था। तभी अंजलि की आत्मा ने देखा कि मेघना बहू बनके घर के अंदर घूम रही थी। अरे बाप रे, इसने तो बड़ा दिमाग लगाया है। मुझे मारकर इसने खुद मेरे पति से शादी कर ली है। मुझे तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन अंजलि घर के अंदर घुस नहीं पाई। मेघना में एक शक्ति थी, वो शक्ति अंजलि की आत्मा को घर के अंदर घुसने नहीं दे रही थी। अंजलि तब ही घुस पाती जब मेघना का दिमाग शांत रहता और वो खुश रहती। लेकिन मेघना के दिमाग में हमेशा पॉलिटिक्स ही चलती रहती थी और वो कभी भी खुश नहीं रहती थी। इसीलिए अंजलि बाहर ही इंतजार करती रही। इतने में मेघना गर्भवती हो गई। उसके 9 महीने बीत गए और मेघना ने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन मेघना थोड़ी देर के लिए खुश हो गई और उसी का फायदा उठाकर अंजलि और उसका बेटा घर के अंदर घुस गए और दोनों सबके सामने प्रकट हो गए। अंजलि, तुम? हाँ, मैं बदला लेने आई हूँ। बदला? लेकिन किससे? मेरी बहन मेघना से।
अंजलि ने सभी को सब कुछ बता दिया। सभी मेघना पर गुस्सा हो गए। अंजलि ने मेघना को नरक में भेज दिया। अंजलि वापस इंसान बन गई। उसका बेटा भी जिंदा इंसान बन गया। उसके बाद अंजलि अपने पति और दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।